स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.3 को शुरू किया था, जिसके फर्स्ट टू क्वेश्चन हम कवर कर चुके थे। तो आज देखने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर थर्ड के जितने भी पार्ट है, ठीक है, सभी के सभी थोड़े लेंथी होंगे, सोल्व ज्यादा करना पड़ेगा आपको भाई। तो देख रहे हैं, पहले थर्ड का फर्स्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले y के इक्वल टू, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, x साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब सोच रहे होंगे कि पहले, इससे पहले जब हमने इनवर्स फंक्शनों का पढ़ा था, मतलब सेकंड क्वेश्चन पढ़ा था, तो बाहर जो इनवर्स फंक्शन होता था अंदर से उसी का रिजल्ट हम बनाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, साइन इनवर्स है, बाकी ये टर्म साइन के एंगल में थोड़ी ना है, बाहर है। अगर अंदर होती तो हम कुछ बनाने की भी कोशिश करते, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हर जगह ही आपका फॉर्मूला बने, जहाँ फॉर्मूला ना बने वहां पर आपको सीधा डेरिवेटिव कर देना है। सीधा मतलब जैसे यहाँ पर अपोन में आपको फंक्शन नजर आ रहा है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, यू अपोन वी की प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। वाई का क्या हो जाएगा भाई, वाई का हो जाएगा डी वाई अपोन में डी एक्स, और यहाँ पर दो टर्म अपोन के अंदर है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यू अपोन वी की प्रॉपर्टी लगेगी। क्या होता था भाई, डेनोमिनेटर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब डेनोमिनेटर एच डीज, यानी कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एच डीज, और डी वाई डी एक्स किसका होगा, न्यूमिनेटर का। न्यूमिनेटर क्या था आपका, न्यूमिनेटर था एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे। अब की बार क्या होगा, न्यूमिनेटर एच डी जाएगा आपका एक्स साइन इनवर्स एक्स एच डी, और डी बाई डी एक्स किसका होगा, डेनोमिनेटर का, और डेनोमिनेटर क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए, ये तो खाली लिखा है, सोल्व करेंगे अगले स्टेप के अंदर। तो क्या हो जाएगा आपके पास, डी वाई अपोन में डी एक्स, अपोन में आप देख सकते हैं इस टर्म का स्क्वायर था और स्क्वायर रूट भी था, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई। तो क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा है। यहां से ये टर्म आपकी एच डी जाएगी, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एच डी, और इसका क्या होगा, डेरिवेटिव। थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि यहां पर यू इंटू वी भी लगने वाली है, देखिए दो टर्म इंटू में आ रही है, तो यहां पर क्या अप्लाई होगी, यू इंटू वी, मतलब पहले अपोन में टर्म थी तो यू अपोन वी लगी, और अब इंटू में टर्म आ गई तो क्या लगेगी, यू इंटू वी। आप देख सकते थे यहीं पर न्यूमिनेटर में डबल टर्म है इंटू के अंदर, तो यू इंटू वी लगनी थी, लेकिन पहले यू अपोन वी लगाएंगे, फिर यू इंटू वी जब इसका नंबर आएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या लगेगी, यू इंटू वी लगेगी। तो फर्स्ट टर्म आपकी एच डीज रहेगी, एक्स आपका एच डीज, और डी बाई डी एक्स किसका होगा भाई, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। अब प्लस, यू इंटू वी में प्लस होता है बीच में, और क्या होगा आपका, साइन इनवर्स एक्स एच डीज रहेगा, और डी बाई डी एक्स किसका होगा, एक्स का। तो ये मैंने इसके अंदर u इंटू वी लगा दिए क्योंकि दो टर्म इंटू में थी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, क्या होगा, माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये आपका एच डीज था, इसका डेरिवेटिव करेंगे, और इसका करेंगे तो आपको सबसे पहले इस पर क्या दिखाई दे रहा है, रूट दिखाई दे रहा है। तो रूट का जब डेरिवेटिव करते हैं, तो मैंने आपको सीधा याद करा रखा है, बड़े क्वेश्चनों में अप्लाई कर लिया करो इस चीज को ना, तो सीधा क्या याद करा रखा है भाई, 1/2 लिखो, रूट की टर्म को अपोन में लिख दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये लिख दिया मैंने अपोन में, तो ये तो किसका हुआ है, रूट का। अब ये नहीं है कि एक बार में एक ही करेंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन लेंथी हो तो एक ही स्टेप के अंदर पूरा डेरिवेटिव भी आप कर सकते हैं। तो ये तो मैंने किया रूट का, अभी किसका बचा हुआ है, इसके अंदर की टर्म का बचा हुआ है, तो अंदर की टर्म का करूंगा तो 1 का तो क्या हो जाएगा, 0, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, माइनस 2x नहीं हो जाएगा, ठीक है, 1 का क्या हो गया, 0, और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, लेकिन बाहर माइनस का साइन था तो माइनस 2x हो गया है। तो यहां से अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, डी वाई अपोन में डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में तो क्या था हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ठीक है, यहां से क्या था भाई, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंदर क्या था, यहां से था आपका एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बीच में किसका साइन है, प्लस का, फिर आपके पास क्या है भाई, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, एच डीज था ये, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1, तो हमने लिख दिया इंटू में 1, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस देखिए यहाँ पर ये 2 से 2 क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर के क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ पर भी एक्स की टर्म बची है, यहाँ पर भी आपकी एक्स की टर्म बची है, तो ये एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या बचा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स, और अपोन में क्या था इसके भाई, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सारी टर्म्स को इकट्ठा करके लिख दिया ना, इंटू में थी ये सभी टर्म्स, तो ये हो गया भाई आपके पास। अब चलिए क्या करते हैं, इस टर्म को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, हो सकता है कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाए हमारा,
ठीक है ना। तो इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपोन में क्या था हमारे पास, अपोन में था 1 - x2। इसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इस टर्म के साथ करूंगा, सोच के देखिए, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी, लेकिन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल, क्योंकि ये डेनोमिनेटर में और ये न्यूमिनेटर में दोनों सेम टर्म है, तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगी, खाली क्या बचेगा एक्स बचेगा। लेकिन जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा हमारा, रूट ऑफ 1 - x2 साइन इनवर्स एक्स नहीं हो जाएगा भाई, इसके साथ करेंगे तो इनटू में लिखा जाएगा, कैंसिल तो कुछ हुआ नहीं और इनटू में 1 लिखना जरूरी नहीं था, ठीक है। तो अब यहां आ जाते हैं, क्या हो जाएगा प्लस, न्यूमिनेटर में आपके पास क्या था x2 साइन इनवर्स एक्स और अपोन में क्या था भाई रूट ऑफ 1 - x2, ठीक है। ये हो गया भाई, यहां तक क्लियर है। अभी हम लेंगे इसका एलसीएम, क्योंकि न्यूमिनेटर में आपको यहाँ पर रैशनल फंक्शन या पटे में टर्म्स नजर आ रही होगी और यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो पहले इसका एलसीएम होगा इनके साथ, ठीक है। चलिए लेते हैं एलसीएम। तो इधर है हमारे पास dy अपॉन में dx और डेनोमिनेटर में क्या था भाई, डेनोमिनेटर में था आपके पास 1 - x2, ठीक है। और इसका इनके साथ क्या लेंगे एलसीएम, तो इनके डेनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, ये अलग चीज है, ये तो सभी के अपॉन में है, हम इनका ऊपर ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर एलसीएम ले रहे हैं, तो इनके अपोन में अलग से तो कुछ नहीं है ना, तो ये तो आपकी एच टीज रहेगी, मतलब एलसीएम क्या आना है, ये वाला एलसीएम आना है। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा यहां से एलसीएम रूट ऑफ 1 - x2, ठीक है। अब देखिए इसके अपोन में कुछ नहीं था तो आप 1 लेट कर सकते हैं, और इसको जब एलसीएम के साथ सोल्व करेंगे तो एलसीएम सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। आपको पता है जिसके डेनोमिनेटर में कुछ ना हो उससे एलसीएम आपका सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। बता भी रखा है तरीका, जैसे कि हमें अभी आपने सोल्व किया एक्स अपॉन 1 को, इसको सोल्व किया है ना, तो ये लिखो इनटू में क्या लिखोगे एलसीएम, एलसीएम क्या था रूट 1 - x2, कुछ नहीं कटेगा, 1 अपॉन में लिखना जरूरी नहीं है बच्चा, ये लिखा है मैंने। सेम ऐसे इसको जब सोल्व करोगे तो ये लिखेंगे इनटू में लिखेंगे एलसीएम, तो आपको एलसीएम में भी सेम यही वाली टर्म नजर आ रही है देखिए, और यही टर्म यहाँ पर है, तो ये इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वेयर नहीं हो जाएगा, और स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 - x2 और साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये अलग से लिख के बता रहा हूँ, चलिए आपको भाई ये टर्म थी आपके पास रूट 1 - x2 और क्या था साइन इनवर्स एक्स, इसके अपोन में कुछ नहीं था, हमने क्या लेट कर लिया है 1 लेट कर लिया है, ठीक है। इसके अपोन में क्या लेट कर लिया 1, और इनटू में क्या लिख देंगे एलसीएम, एलसीएम क्या था आपके पास रूट 1 - x2, कुछ कैंसिल हुआ नहीं हुआ ना, तो एक टर्म ये और एक ये दोनों सेम टर्म है, इनटू के अंदर है तो होल स्क्वेयर होगा, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 - x2 बचेगा, वही मैंने लिखा है, और साथ ही क्या बचा साइन इनवर्स, ठीक है। अब इसके साथ जब सोल्व करेंगे तो ये लिखेंगे और इनटू में लिखेंगे एलसीएम, तो ये टर्म कैंसिल ही हो जाएगी, तो खाली क्या बचेगा x2 साइन इनवर्स बचेगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको, ये एलसीएम लेकर के सिंपलीफाई किया है बस, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। x2 साइन इनवर्स x, ये हो गया भाई क्लियर। अब देखिए इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 लेट कर लीजिए। अब हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि बटे में टर्म्स होती है तो नीचे वाली टर्म का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, पलट जाती है वो, ठीक है। तो यहां पर भी हम ऐसा ही करने वाले हैं कुछ, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या था एक्स रूट ऑफ 1 - x2, इस साइन इनवर्स एक्स को मैं इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, और x2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा x2 साइन इनवर्स एक्स, दोनों से होगा भाई, साइन इनवर्स को 1 से किया तो सेम आ गया, x2 से किया तो क्या हो गया -x2 साइन इनवर्स एक्स, और प्लस में आपके पास क्या था x2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये तो न्यूमिनेटर की टर्म थी, इसके डेनोमिनेटर में क्या था, इसके डेनोमिनेटर में था 1 - √1 - x2। अब ये टर्म है ये पलटे ही, रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा तो 1 तो चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 - x2, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा मैंने तरीके से सोल्व करके दिखाया, सीधा भी लिख सकते थे हम इसको ना, और ये प्लस की टर्म और ये माइनस की क्या हो गई कैंसिल, दोनों सेम टर्म थी, ठीक है। मैंने बिल्कुल आपको ये बोला है कि इनवर्स फंक्शनों को कैंसिल नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग टर्म्स है, ये प्लस की थी ये माइनस की थी, हम कैंसिल कर सकते हैं, वो मैंने प्रॉपर्टी में बोला था, ऐसे हो तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता था थीटा, तो यहाँ पर कैंसिल करके नहीं दिखाना है, ये तो अलग अलग टर्म्स है, ठीक है ना, तो कैंसिल कर सकते हैं हम इनको। तो यहां से क्या बचा भाई, ये बचा आपके पास एक्स रूट ऑफ 1 - x2 और प्लस में क्या बचा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, न्यूमिनेटर में तो केवल इतना बचा है, ये 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, इसके डेनोमिनेटर में ये है और यहां पर ये है, दोनों सेम चीजें हैं, देखो है ना सेम चीज, यहां पर इसकी पावर कितनी है 1 और यहां पर इसकी पावर कितनी है 1/2, क्योंकि स्क्वेयर रूट का मतलब कितनी पावर होती है 1/2 पावर होती है, तो 1 पावर इसकी और 1/2 इसकी, 1 एंड हाफ,
कितना हो जाएगा, 3 बाई टू नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और होल पावर 3 बाई टू। ठीक है, हाफ इसकी थी, 1 बाई टू इसकी थी, प्लस 1 इसकी थी। एलसीएम लिया कितना आया, 2 यहाँ से 1, 2 वन जा 2, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3 बाई टू नहीं आ गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूरा कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर दिया हमने, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y के इक्वल टू लेट कर लेंगे इसको, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, tan इनवर्स a प्लस बी tan x अपॉन b माइनस a tan x। देखिए, पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट आप खुद से सोल्व कर सकते हैं अगर एक बार मेरी ध्यान से सुन लेंगे तो। ठीक है, कुछ पार्ट मैं आपको कराऊंगा, कुछ जो छोड़ रहे हैं बीच में वो भी आप कर सकते हैं इजीली सोल्व। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना है, क्या सुनना है भाई, बाहर इनवर्स फंक्शन दिख रहा है, बाहर इनवर्स फंक्शन दिखता है तो आपको अंदर की टर्म को ये देखना है कि वहां से हम इसको, जैसे फिलहाल टेन इनवर्स दिख रहा है तो अंदर से इसका टेन का रिजल्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो बनाना है, मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला बन रहा हो। ठीक है, बनाने का मतलब जैसे कोई फॉर्मूला बन रहा हो जिससे टेन का रिजल्ट बन रहा हो, फिलहाल टेन है तो टेन की बात कर रहा हूं मैं, साइन होगा तो साइन की बात करेंगे। ठीक है ना, तो अगर फॉर्मूला बन रहा हो तो आपको बनाना है, नहीं बन रहा हो तो सीधा तरीका लगाएंगे। सीधा क्या, पहले इनवर्स फंक्शन का करेंगे, फिर उसके एंगल का, और जब एंगल का होगा ना तो यू अपॉन वी की प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, तो जहां पर फॉर्मूला नहीं लगेगा, जैसे मैंने थर्ड पार्ट लिया है, सेकंड पार्ट जो है उसमें आपको कोस नजर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो उस केस में अंदर जो है फॉर्मूला नहीं बन रहा है, और वो पता आपको तब लगेगा जब आपको 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होंगे। याद है बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो बता देता हूँ, वीडियो है उन पर, आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं प्ले लिस्ट के अंदर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मुझे टेन इनवर्स दिख रहा है, तो अंदर का जो ये रिजल्ट है ना, मुझे तो लग रहा है मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज कर सकता हूँ, मुझे कैसे पता लगा, आपको बता देता हूँ मुझे कैसे पता लगा है। मुझे पता लगा है इस फॉर्मूले की वजह से, क्योंकि मुझे ये याद था भाई, टेन ए प्लस बी क्या होता है, ये हमारा ये होता है भाई टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ये होता है भाई। ठीक है, तो इसकी वजह से मुझे पता लग गया कि ये चीज यहाँ पर मैं बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये दो होते हैं, एक माइनस का भी होता है, तो यही क्यों लगा, ये कैसे पता लगा। मैंने आपको बताया भाई, यहाँ जो साइन होता है ना वो सेम साइन न्यूमिनेटर में होता है, तो यहाँ न्यूमिनेटर में क्या था, प्लस, तो मैं समझ गया ए प्लस बी का बनना है, ये रिजल्ट किसका बनना है, ए प्लस बी का। लेकिन उसके लिए हमें छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज ये है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है फॉर्मूले में, वन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, वन। ठीक है, हर बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मैं आपको रटने को नहीं कहूंगा, एक एक चीज क्वेश्चन से पता लगेगी। हमने सबसे पहले इसको देख के फॉर्मूला ढूंढ लिया, अपना फॉर्मूला सर्च कर लिया, फॉर्मूला सर्च करते ही हमें पता लग गया भाई यहाँ पर वन होता है, तो यहाँ पर वन कैसे बने, बी को हम वन कैसे बना सकते हैं, बस सिंपल सी बात है, बी को बी से डिवाइड करेंगे तभी तो वन बन सकता है। तो सीधा पता लग गया कि इसके अंदर आपको क्या करना है, बी से डिवाइड करना है। बताओ कोई रटने वाली बात आई, कोई रटने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला मिलने के बाद हम समझ गए यहाँ वन बनाना है तो बी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं, न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर देते हैं, बी से। तो देखिए, न्यूमिनेटर को बी से डिवाइड करूंगा मैं, सीधा अलग अलग कर रहा हूँ, ए को बी से करूंगा तो ये हो जाएगा, और इसको जब बी से करूंगा तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, टेन एक्स। ठीक है भाई, इसको कंप्लीट को डिवाइड करोगे, मैंने सेपरेट डिवाइड किया है, सेपरेट डिवाइड मतलब इसको अलग, इसको अलग, इसको किया तो ए अपॉन बी बन गया, इसको किया तो बी से बी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, टेन। ऐसे इसको बी से करूंगा क्या हो जाएगा, वन बच जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसको बी से करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए टेन एक्स अपॉन में बी। पूरे के नीचे लिखूं या खाली ए के नीचे लिख दूं, ए की बात है इंटू मीटर में। ठीक है, कंप्लीट के अपॉन में भी लिख सकते थे आप। अब थोड़ा थोड़ा मैच होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, बिल्कुल देखिए यहाँ पर ये टेन की रिजल्ट है, टेन का रिजल्ट है बिल्कुल आपका ना, बस इसको टेन का रिजल्ट बनाना है। अब ये टेन का रिजल्ट बने कैसे, अब देखिए दो बातें हैं, अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करके करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसको करना पड़ेगा पुट। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, दो तरीके हैं भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी से आसान हो जाएगा, ये बता देता हूं मैं आपको, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ये इस वाले फॉर्मेट में है। ठीक है, इस वाले फॉर्मेट में है तो ऐसे लिख देंगे इसको, अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो तो इसको आपको पुट करना पड़ेगा टेन थीटा। ठीक है,
तो इससे थोड़ा दो तीन स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे, इससे छोटे हो जाएंगे, तो चलिए ये अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बाकी इस प्रॉपर्टी से भी कंपेयर करा सकते थे आप, अभी मुझे दिमाग में आया प्रॉपर्टी को भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए प्रॉपर्टी लगा दी, वरना मैं फॉर्मूले से ही करता इसको। चलो मैं दोनों से बताता हूं आपको, पहले प्रॉपर्टी से देखिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में है, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं टेन इनवर्स, भाई क्वेश्चन में यहां पर एक्स था फॉर्मूले में, प्रॉपर्टी में तो एक्स लिखा है, हमारा क्या है ए अपोन बी, तो क्या लिखूंगा ए अपोन बी प्लस आपका यहां पर क्या है वाई, इसलिए वाई लिखा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या है टेन एक्स, तो यहां पर लिखूंगा टेन इनवर्स टेन एक्स, समझे। हमारे क्वेश्चन में एक्स तो आपका था ये और ये था वाई, तो मैंने एक्स और ये वाई लिख दिया है। चलिए अब सोल्व कर लेते हैं, तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो आपका एच डी रहेगा, टेन इनवर्स ए अपोन बी प्लस यहां पर टेन से टेन इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब प्रॉपर्टी बढ़ गई ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, बताया था, जिसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है उसके लिए बता देता हूं कि फिलहाल के लिए बस आप इतना मान के चले, इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो टेन से टेन इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा एक्स, लेकिन इसको काट के भी दिखाना है, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया एक्स। अब इसका आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए हम, है ना, इजी सी फॉर्म बढ़ा दिया हमने इसको, तो वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा डीवाई अपोन में डी एक्स हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं एक्स की टर्म नहीं है ना एक्स की टर्म, और इसमें एक्स की टर्म नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट है आपका, क्या है कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, क्योंकि एक्स की टर्म नहीं है, आप गलती करेंगे यहां पर ध्यान देना भाई, क्योंकि आप देखेंगे टेन इनवर्स आता चलते लगाएंगे वन अपॉन वन प्लस एंगल का स्क्वायर, वो गलत हो जाएगा क्योंकि एक्स की टर्म नहीं है, एक्स की टर्म नहीं है तो कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। प्लस एक्स का करेंगे तो कितना आएगा वन, जीरो प्लस वन कितना आ गया वन आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टी से, छोटा सा हो गया ना। इसके बाद अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो कैसे होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी से कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये सही लगाओ तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, ये सही ना लगाओ तो एक तरीका और भी बता रहा हूं, देखिए ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, यहां तक तो सेम करना ही पड़ेगा। उसके बाद फॉर्मूले में यहां पर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आ रहा है टेन, तो इसको हमें पुट करना पड़ेगा भाई, तो पुट कर देते हैं हम ए अपोन बी को, क्या पुट कर देते हैं टेन थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है। टेन थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स, इसको मैंने पुट कर दिया है टेन थीटा, तो यहां पर आएगा टेन थीटा प्लस क्या था आपका टेन एक्स, तो प्लस आ जाएगा यहां पर टेन एक्स, ठीक है, अपोन में यहां पर क्या था वन माइनस ए अपोन बी, ए अपोन बी को हमने क्या पुट किया अभी टेन थीटा, तो यहां पर भी क्या आएगा टेन थीटा, और इंटू में क्या आ जाएगा टेन एक्स, ठीक है। सेम आपका फॉर्मूला बन चुका है भाई, तो बाहर तो हमारा था टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया, देखिए सेम इस वाले फॉर्मेट में है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ऐसे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा टेन ए, ए ए जो था ए की जगह हमारा क्या है थीटा, तो मैं लिखूंगा थीटा प्लस बी, बी हमारा जहां पर लिखा है वहां पर हमारा क्या है एक्स है, तो मैं लिखूंगा एक्स, क्लियर है। ये वाला अंदर वाला इस फॉर्मेट में था तो ऐसे लिख दिया, फॉर्मूला अप्लाई करने का मतलब यही है, टेन से टेन इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो वाई इक्वल्स टू बचेगा थीटा प्लस एक्स। अब थीटा की वैल्यू आपको पहले यहां से निकाल लेनी थी, तो टेन इधर आएगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इनवर्स में, तो टेन इनवर्स ए अपॉन बी इक्वल्स टू क्या बचा भाई, सॉरी थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, बिल्कुल थीटा बचेगा, टेन इनवर्स इधर आया, टेन इधर आया इनवर्स में चेंज हो गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास, इसमें रख दीजिए थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ए अपॉन बी प्लस एक्स, देखिए सेम वही चीज आ गई ना। अब हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का तो क्या हो जाएगा डीवाई अपोन में डी एक्स, और ये आपका कॉन्स्टेंट है, फिर वही आ गया, देखिए एक्स की टर्म नहीं है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा जीरो प्लस एक्स का क्या हो जाएगा वन, तो जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा वन, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे वो अप्लाई कर सकते हैं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी से हो गया, ये फॉर्मूले से हो गया, मैं आपको सलाह दूंगा फॉर्मूले से करने के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टियां बहुत कम क्वेश्चनों में अप्लाई होती है, सभी में नहीं होती, लेकिन फॉर्मूले लगभग हर क्वेश्चन में बढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं भाई नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स पार्ट है, मैं आपको बता देता हूं थर्ड का तीसरा पार्ट ले रहे हैं हम, तीन पार्ट मैंने आपको सोल्व करा दिया है ना, बाकी तीन बचते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं, जो मेन मेन थे वो मैंने ले लिए, ठीक है। तो सबसे पहले वाई के इक्वल टू लेट कर लेते हैं इसको, कोस इनवर्स क्या है हमारे पास थ्री एक्स प्लस फोर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपोन में क्या है भाई फाइव है हमारे पास, ठीक है। तो फिर वही चीज देखेंगे हम कि यहां पर अगर आपका फॉर्मूला बन रहा है कोई, तो आपको देखना है कि भाई फॉर्मूला बन रहा है तो बनाना है, नहीं बन रहा होता तो क्या करते पहले कोस इनवर्स का करते और फिर इसके एंगल का करते, लेकिन यहां पर फॉर्मूला बन रहा है
कौन सा बन रहा है आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है भाई, यहां पर क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस, सॉरी प्लस नहीं, प्लस यहां पर आ रहा है ना, तो अपोजिट साइन का बनेगा भाई, माइनस आएगा यहां पर, ठीक है, माइनस में प्लस, तो साइन ए साइन बी। फॉर्मूलों में, फॉर्मूलो वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कोस के केस में क्या होता है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, कोस कोस साइन साइन, और साइन जो होता है ना ये अपोजिट आता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, याद करने का तरीका बताया था ये, ठीक है ना। तो हमने देखा यहां पर प्लस आ रहा है तो प्लस तो अपोजिट साइन में आता है, मतलब प्लस का ये आपको दिख रहा है सेम है ना, इस वाले फॉर्मेट में बनेगा ये, तो माइनस का फॉर्मूला हुआ। ये चीज यहां पर हमें अंदर बनानी है ताकि उसको हम ये लिख सकें और ये लिख देंगे तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, समझ गए ना। तो पहले बता दिया ये फॉर्मूला यहां पर बनने वाला है, देखिए कैसे बनाएंगे। तो वाई इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स फाइव को पहले तो मैं कर देता हूं सेपरेट डिवाइड, तो मैंने थ्री के नीचे अलग लिख दिया है, ये एक्स के अपोन में, मतलब थ्री एक्स को ऊपर एक साथ भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है इनटू में कैसे लिख सकते हैं हम, है ना। प्लस ऐसे ही मैंने फोर अपॉन फाइव अलग लिख दिया और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अलग लिख दिया इनटू के अंदर, ये एक ही बात है, ये फाइव आप कंप्लीट के नीचे लिखें या खाली फोर के नीचे लिख दें इनटू मीटर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट आपको मैच होता हुआ नजर आ रहा होगा, इससे पहले मैं आगे बढ़ू मैंने आपको बताया था कि भाई वन माइनस एक्स स्क्वायर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब हमने पढ़ी, सेकंड चैप्टर जब हमने पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि ये होगा कि वन माइनस एक्स स्क्वायर जब भी कभी भी हो आपके पास वन माइनस एक्स स्क्वायर तो या तो आप पुट करेंगे साइन थीटा या फिर क्या पुट करेंगे कोस थीटा, ठीक है। तो यहां पर भी आप दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं पुट कर रहा हूं यहां पर कोस, क्या क्यों भाई, मैंने कोस क्यों पुट किया, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट टू टर्म किसकी होनी चाहिए कोस की, इस फॉर्मूला ये अगर मुझे बनाना है यहां पर तो ये फर्स्ट टू टर्म किसकी होनी चाहिए कोस की, तो भाई इसको मैं कोस रखूंगा तभी तो एक टर्म कोस की आएगी, दूसरी बाद में देखते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कोस पुट किया, यहां से थीटा तो हमें चाहिएगा क्योंकि बाद में इसकी वैल्यू रखनी पड़ती है। अगर आपने सेकंड चैप्टर नहीं देखा है तो थोड़ी दिक्कत आएगी भाई, अगर सेकंड देख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सेम क्वेश्चन सेकंड में भी था, बस वहां डेरिवेटिव नहीं करना था, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, वाई इक्वल्स टू पुट कर लिया हमने, रख देते हैं कोस इनवर्स, ये कितना था भाई थ्री बाई फाइव, एक्स क्या था कोस थीटा प्लस फोर बाई फाइव, यहां पर भी एक्स क्या था आपका कोस थीटा, तो क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, रख दिया मैंने। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखो कोस इनवर्स यहां पर क्या हो जाएगा थ्री बाई फाइव, और ये क्या हो गया आपका कोस थीटा प्लस फोर बाई फाइव, वन माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, वन माइनस कोस स्क्वायर टेंथ क्लास का फॉर्मूला है, वन माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा खाली साइन ही बच जाएगा, ये लो। अब थोड़ा मैच होता हुआ नजर आ रहा होगा, देखिए कोस तो मैच हो गया, इसको भी हमें क्या पुट करना पड़ेगा कोस, साफ पता लग रहा है कंपेयर करा के देखो आप, ठीक है, तो इसको भी मुझे कोस पुट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं अब कर देते हैं। तो यहां पर पुट कर रहे हैं हम थ्री बाई फाइव को क्या पुट कर देते हैं थीटा, तो हम पहले लिख चुके हैं थीटा, तो हमने पहले पुट कर लिया ना, दोबारा थीटा पुट नहीं कर सकते, तो क्या लेंगे फाइव ले लेते हैं, ले सकते हो लेकिन थीटा दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से फाइव की वैल्यू निकाल लेते हैं वापिस, फाइव की वैल्यू वापिस निकालेंगे, कोस इधर आएगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इनवर्स में, तो ये हो जाएगा आपका कोस इनवर्स थ्री बाई फाइव, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू रखिए, तो यहां हो जाएगा आपका ये कोस इनवर्स थ्री बाई फाइव, थ्री बाई फाइव की जगह मुझे क्या लिखना है कोस फाइव, तो ये मैंने लिख दिया है कोस फाइव, ठीक है भाई, और ये क्या था कोस थीटा प्लस, अब देखिए ये फोर बाई फाइव है ना, ये आपका क्या बन जाएगा साइन फाइव बन जाएगा, कैसे बना अभी बताता हूं, और ये साइन थीटा पहले था। देखिए मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था ये कि कभी भी दो नंबरों के स्क्वायर का सम, दो नंबरों के स्क्वायर का सम अगर वन है तो उनमें से अगर एक साइन है तो दूसरा कोस होगा, और पहला साइन है तो पहला कोस है तो दूसरा साइन होगा, मतलब अगर एक साइन की वैल्यू है तो दूसरी कोस की होगी। यहां से मुझे पता लग गया था थ्री बाई फाइव और फोर बाई फाइव इनके स्क्वायर का सम वन है, कैसे पता लगा मुझे भाई, क्योंकि मुझे दोनों के डेनोमिनेटर में नजर आ रहा है फाइव, और फाइव का करूंगा मैं स्क्वायर तो कितना आएगा ट्वेंटी फाइव, जब मैं थ्री का स्क्वायर करूंगा नाइन, और फोर का स्क्वायर करूंगा सिक्सटीन, और फोर सिक्सटीन और नाइन कितना हो गया ट्वेंटी फाइव, और ट्वेंटी फाइव भी नीचे आएगा तो ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी फाइव कैंसिल, तो ये थोड़ी चीज आपको पहले ही सोच लेनी है ना। तो यहां पर ये अगर साइन की वैल्यू पुट की है तो ये ऑटोमेटिक किसकी हो जाएगी, सॉरी ये कोस की पुट की है तो ये ऑटोमेटिक किसकी हो जाएगी साइन की, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, यहां पर कोस की वैल्यू है या आपके पास, आप साइन की निकाल लें, यहां से क्या रिजल्ट यूज करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, टेंथ क्लास का फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करके आप
ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं तो साइन की वैल्यू आपके पास यही आएगी, या फिर ये जो मैंने बात बताई इससे आप सीधा भी लिख सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल बन गया ना फॉर्मूला, इसमें ए बी था, इसमें थीटा फाई है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स, ये हो जाएगा आपका कोस, क्या लिखा हुआ था, ए माइनस बी, ए क्या है भाई फाई, माइनस बी, बी क्या है तुम्हारा थीटा, ठीक है। तो ये रख दिया मैंने, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, क्या बचा फाई माइनस थीटा बच गया, क्या बचा भाई फाई माइनस थीटा। एक बात ध्यान रखनी है, डेरिवेटिव करने से पहले इनकी वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी, वरना हर एक क्वेश्चन का आंसर जीरो आएगा, क्योंकि अब ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जीरो आएगा अगर यहां करोगे तो, जीरो तो खैर नहीं आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल बन चुके हैं ये, पुट किया है ना, तो ये डिपेंडेंट बन गए हैं, लेकिन डेरिवेटिव करने से पहले आपको इनकी वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी वापस, ये ध्यान रखना बस। तो फाई की वैल्यू क्या आई थी, फाई की वैल्यू आई थी कोस इनवर्स 3/5, तो ये मैंने लिख दिया फाई की जगह कोस इनवर्स 3/5, ठीक है, फाई की जगह ये वैल्यू आई थी। और थीटा की वैल्यू क्या आई भाई, थीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास कोस इनवर्स ये रे, तो ये रख देते हैं यहां पर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए कितना ज्यादा सिंपलीफाई किया है, ये सारा काम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का था, ये यहां से यहां तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थी डेरिवेटिव के, तो अब दो स्टेप लिखूंगा बस, ठीक है ना। तो सेकंड चैप्टर में अगर समस्या है तो थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, इसलिए पहले सेकंड को अच्छे से क्लियर कर ले आप जाके वापिस, है ना। तो वाई का तो क्या हो जाएगा भाई, डीवाई अपोन में डीएक्स, और बता देता हूं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह ये सारे आप जितने भी चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेकंड में समस्या है तो इसमें भी आएगी, इसमें अगर समस्या रहेगी तो इंटीग्रेशन के दो चैप्टर आएंगे दोनों में आएगी, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आएगी, मतलब पूरा कैलकुलस खत्म हो जाएगा एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वजह से। तो पहले आप उसको अच्छे से क्लियर कर ले भाई। तो वाई का तो क्या हो गया, डीवाई अपोन में डीएक्स, कोस इनवर्स 3/5 का डेरिवेटिव करने के लिए मैं आपको बोलूंगा तो आप क्या करेंगे, माइनस वन अपोन रूट ऑफ वन माइनस एंगल का स्क्वायर करेंगे, और वो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स की टर्म नहीं है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा जीरो आएगा, एक्स की टर्म नहीं है, ध्यान देना बच्चे अक्सर मार खाते हैं इस टाइप के टर्म में, है ना, एक्स की टर्म नहीं है इसमें, एक्स नहीं है तो ये कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, और माइनस का साइन है यहां पर, कोस इनवर्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स का क्या होगा माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ऊपर बचा वन अपॉन में क्या बचा भाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो ऐसे हमने क्वेश्चन थर्ड के थ्री पार्ट देख लिए, बाकी थ्री बचे हैं वो आप खुद से ट्राई करें, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर पर। तो नेक्स्ट होगा भाई क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, और मैं आपको बता देता हूं बाहर फिर से आपको दिखाई दे रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अंदर से हमें जो बाहर दिखेगा वही अंदर बनाना है, सीधी सी बात यह है, बाहर जो दिखे वही अंदर बनाना है, मतलब बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर से हमें कोस चाहिए। अब कोस कैसे आएगा तो कुछ बातें बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखें आप, वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स ये कभी भी हो एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा पुट होगा, ठीक है, मैक्सिमम केस में, मैं नहीं कर रहा हूं 100% 99% केस में, 99% केस में वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स कभी भी हो कोस थीटा पुट होगा, 1% जो केस बचता है वो क्वेश्चन उस पर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस केस में कोस पुट नहीं होगा, बाकी सभी में क्या होगा कोस। वन माइनस एक्स स्क्वायर कभी भी आए तो एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा या फिर कोस थीटा, दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हो आप, दोनों से ही सोल्व हो जाएगा, ठीक। और वन प्लस एक्स स्क्वायर आए तो आप एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा या फिर कोट थीटा, दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हो, दोनों से ही सोल्व हो जाएगा। तो ये कम से कम ये तीन बातें अगर आप याद रखते हैं तो ये समझ लीजिए 90% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे इन तीन बातों से ही, पुट करने वाले, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाले। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं इसको, वाई के इक्वल टू यहां पर हो जाएगा कोस इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस एक्स अपोन में कितना है टू, लिखा वन प्लस एक्स है तो क्या पुट करना है भाई कोस थीटा, तो यहां पर भी हम पुट कर देते हैं एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा, पुट किया है तो वैल्यू तो चाहिए कि थीटा की, तो कोस को इधर ले आते हैं, कोस इधर आएगा किसमें चेंज हो जाएगा इनवर्स में, इक्वल्स टू क्या बचा थीटा, चलिए रखिए इसमें, तो वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास कोस इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या रख देता हूं कोस थीटा रख दिया, और अपोन में क्या है टू, आ गया फॉर्मूला, बताया था कम से कम 200 बार यूज होंगे अभी तक, नोट कर चुके होंगे कम से कम 30 से 40 बार तो अभी तक यूज हो चुके हैं, वन प्लस कोस टू ए क्या होता है भाई टू कोस स्क्वायर ए, प्लस हो तो क्या बताया था कोस स्क्वायर, माइनस होता तो साइन स्क्वायर, और एंगल का क्या होता है हाफ, यहां पर जो एंगल है उसका क्या होता है हाफ,
ठीक है, तो अप्लाई करते हैं यहाँ पर, देखिए y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, कोस इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस कोस क्या हो जाएगा, टू कोस स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा बाई टू, वहां पर a था टू a था तो a हो गया, यहाँ थीटा है तो थीटा बाई टू हो गया, ठीक है हाफ एंगल होगा भाई, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 3x होता तो 3x बाई टू हो जाता, एक क्वेश्चन में आया भी था पीछे, है ना, टू से टू क्या हो गया कैंसिल, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, कोस इनवर्स बाहर था अंदर बचा है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो y इक्वल्स टू क्या बचा कोस इनवर्स और अंदर से बचा कोस थीटा बाई टू, आ गए ना कोस, तो कोस से कोस इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, लेकिन कैंसिल करके नहीं दिखाना है, ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या बचा थीटा बाई टू, तो y इक्वल्स टू वन बाई टू, थीटा की वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू क्या दी आपके पास कोस इनवर्स x, ये यहां तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का काम था, अब करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या होगा भाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल्स टू वन बाई टू आपका एच डी से, देखिए ये वन बाई टू कैसे बना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो थीटा बाई टू था, वन बाई टू कहां से आया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये थीटा को वन से मल्टीप्लाई करूंगा थीटा बाई टू बन जाएगा वापिस, ठीक है, तो ये ऐसे आया भाई, तो यहां पर वन बाई टू तो आपका कॉन्स्टेंट था एच डी रहा, ये तो किसका होगा कोस इनवर्स एक्स का, और कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन का और कोस का दोनों का सेम होता है, दोनों में एक ही चीज का फर्क होता है माइनस के साइन का, उसको याद करने का तरीका बता रखा है को जिसमें आएगा उसमें नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, चाहे वो इनवर्स हो चाहे ना हो इनवर्स, तो माइनस वन अपॉन टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में करके लिख दिया है, वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का वन, माइनस मैंने आगे लगा दिया है, टू को इसके साथ इंटू में लिख दिया, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका इसी का फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ही फोर्थ, सबसे पहले लेट कर लेते हैं वाई इक्वल्स टू कोस इनवर्स क्या है आपके पास टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब ये नहीं है कि बिल्कुल रट्टा मार के बैठ गए भाई वन प्लस एक्स स्क्वायर आया टेन थीटा पुट कर दो, भाई देखना भी पड़ेगा ना फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर जो बनेगा ना आपका ये वाला बनेगा, वैसे टेन ही पुट होगा इसमें, टेन से ही बनेगा फॉर्मूला हमारा, तो साइन टू ए का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन टू ए का क्या होता है टेन की फॉर्म में टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये होता है भाई, तो आपको दिख रहा होगा, देखिए x की जगह अगर मैं tan लिख दूं, यहां पर x की जगह tan लिख दूं तो सेम ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो cos है बाहर आप तो sin बना रहे हो, तो भाई cos में होता ही नहीं क्या करें, तो sin बना लेते हैं, sin को कन्वर्ट कर लेंगे किसका यूज करके क्वाड्रेंट का यूज करके, क्वाड्रेंट हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है जिसका यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों को चेंज कर सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोस के लिए फॉर्मूला नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ये साइन का था सेम मैच कराओ, देखो एक्स की जगह टेन रख के देखो मैच हो रहा है ना, तो फॉर्मूले याद होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, तो तुम्हें ये बातें भी याद करने की जरूरत नहीं है अगर फॉर्मूले अच्छे से याद है तो, ठीक है, तो पुट कर देते हैं इसमें एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा भाई, एक्स इक्वल्स टू हमने टेन थीटा पुट कर दिया है, थीटा की वैल्यू यहां से निकालूंगा टेन इधर आएगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इनवर्स में, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास टेन इनवर्स एक्स, चलिए रखते हैं इसमें, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x की जगह रख दिया मैंने टेन थीटा, ठीक है, तो वन अपॉन वन प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल इस फॉर्मेट में नहीं बन चुका है आपका ये अंदर का पार्ट, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा भाई y इक्वल्स टू कोस इनवर्स और इसको मैं लिख दूंगा साइन टू थीटा, यहां पर a था इसलिए साइन टू a था, यहां पर थीटा है तो क्या बन गया साइन टू थीटा, लेकिन बाहर कोस है तो अंदर से हमें कोस ही चाहिए, तो तरीका बता रखा है पिछली वीडियो में बताया कि अगर आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है तो उसके एंगल को पाई बाई टू में से माइनस करके लिख दो, उसके एंगल को पाई बाई टू में से माइनस, साइन को मुझे बदलना था किसमें कोस में, तो साइन कोस में बदलता है मेरा, तो 90 में से इसको माइनस करके लिख दिया मैंने, लेकिन देखिए बदलेगा चेंज होगा केवल साइन कोस में कोस साइन में, ये नहीं है कि साइन को टेन में बदल दोगे आप, ठीक है, तो उसमें प्रॉपर्टी यूज होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, देखी होगी आपने प्रॉपर्टियों की वीडियो, नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखें आप, ठीक है, कोस से कोस इनवर्स क्या हो गया भाई कैंसिल, तो वाई इक्वल्स टू क्या बचा है पाई बाई टू और यहां से क्या बचा है टू थीटा, अब थीटा की वैल्यू वापस रखें आप, तो वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास पाई बाई टू माइनस टू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी भाई टेन इनवर्स एक्स, तो यहां पर क्या लिख देते हैं हम टेन इनवर्स एक्स, अब करेंगे डेरिवेटिव इसका,
तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बता देता हूं यहां तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का काम था, ठीक है। वाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपोन में डी एक्स, फाइव बाई टू में आपको एक्स की टर्म नहीं दिख रही होगी तो क्या हो जाएगा जीरो माइनस टू, टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा वन अपोन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है भाई। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का टू अपोन में क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, नाइन्थ पार्ट है हमारा, ठीक है। एक पार्ट और भी देख रहे हैं हम फोर्थ का ही, तो वाई के इक्वल टू लेट कर लेते हैं और टेन इनवर्स क्या आ जाता है हमारे पास रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ये है भाई। तो मैंने आपको बताया था कि वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स कभी भी हो एक्स इक्वल्स टू क्या पुट होगा कोस थीटा पुट होगा। अब देखिए एक चीज ध्यान देने लायक है यहां पर, अगर वन की बजाय यहां पर कुछ और कॉन्स्टेंट आ जाए, भाई वन भी तो कॉन्स्टेंट ही था, तो वन की बजाय कुछ और कॉन्स्टेंट आ जाए, जैसे आ गया ए तो इसके साथ क्या लगा देंगे ए और लगा देंगे, आ जाता बी तो बी लगा देते, आ जाता सी तो सी लगा देते, समझ गए ना बात को। तो यहां पर देखिए कुछ ऐसा ही दिख रहा है, तो भाई वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स कभी भी हम कोस पुट करते हैं, लेकिन वन की बजाय क्या आ गया था ए, तो साथ में कोस के हम क्या पुट कर देंगे ए पुट कर देंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं यहां पर एक्स इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे भाई ए कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमें बाद में चाहिएगी तो उसके लिए यहां से निकालनी पड़ेगी, तो पहले ए जाएगा, अब ए इंटू में है इसके साथ, तो सीधा कोस नहीं निकल के चला जाएगा बीच में है ये, है ना, बीच में से ये नहीं जाएगा, पहले ये हटेगा, तो ये हटेगा तो ये ए इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो इक्वल्स टू क्या बचेगा कोस थीटा। अब कोस इधर आ सकता है, तो अब कोस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई किस में चेंज हो जाएगा इनवर्स में, तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए और इक्वल्स टू क्या बचेगा थीटा, ठीक है। तो इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी हमें, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया भाई टेन इनवर्स रूट ऑफ a माइनस एक्स, एक्स क्या था हमारा a कोस थीटा अपॉन a प्लस एक्स, एक्स क्या था हमारा a कोस थीटा, रख दिया मैंने x की जगह ये वैल्यू, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लो तो आपको ये पता लग गया कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है, तो सारी समस्या ही खत्म है, बस यहां से क्या कॉमन होगा a, तो क्या बचेगा वन माइनस कोस थीटा, यहां से भी क्या कॉमन है a तो क्या बचेगा भाई वन प्लस कोस थीटा, ठीक है। ए से ए क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा टेन इनवर्स, लो फिर से आ गए वही फॉर्मूले, बोलता था कई बार यूज होंगे वन माइनस कोस और वन प्लस कोस क्या होता है बता रखा है वन माइनस कोस टू ए क्या होता है टू साइन स्क्वेयर ए, और वन प्लस कोस टू ए क्या होता है भाई टू कोस स्क्वेयर ए, ठीक है। तो ये लग जाएंगे, तो देखिए ऊपर माइनस है तो क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वेयर एंगल का हाफ, तो थीटा का हाफ थीटा बाई टू, एंगल का हाफ हो रहा है यहां पर, ठीक है ना। सेम यहां पर भी क्या हो जाएगा टू कोस स्क्वेयर एंगल का हाफ थीटा बाई टू, टू से टू क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा वाई इक्वल्स टू बाहर था हमारे पास टेन इनवर्स न्यूमिनेटर सॉरी यहां पर क्या बचा साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर क्या हो जाएगा टेन स्क्वेयर, और क्या था थीटा बाई टू, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंदर से क्या बचा भाई टेन थीटा बाई टू, ठीक है। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें थीटा बाई टू, थीटा की वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू क्या थी वन बाई टू मैंने सेम लिख दिया है, और थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब इसका डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का क्या हो जाएगा dy वाई अपोन में डी एक्स, वन बाई टू आपका कॉन्स्टेंट है, cos का क्या होगा x की टर्म है cos में, तो cos का क्या होगा माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एंगल का स्क्वेयर, और एंगल ये है अभी खाली एक्स स्क्वेयर लिख दो तो क्या आएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, एक्स अपॉन ए का स्क्वेयर करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो चलिए हो गया cos इनवर्स का, अब एंगल का भी तो होगा, तो वन अपॉन ए तो कॉन्स्टेंट है और x का क्या हो जाएगा वन, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा देखिए वन को वन को वन को इन तीनों वन को और ये एक वन यहां पर भी है, चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो क्या आएगा वन ही आएगा, ठीक है भाई, और साथ में नीचे ए भी है और यहां पर क्या है टू, तो इसको मैं आगे लिख देता हूं टू ए करके, और रूट के अंदर आपके पास क्या है रूट के अंदर है आपके पास वन माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम क्या आएगा ए स्क्वेयर, एलसीएम नहीं आ जाएगा रूट के अंदर अंदर एलसीएम हो रहा है, ठीक है। ए स्क्वेयर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये जो माइनस का साइन था ये लगा दिया मैंने यहां पर, क्लियर है। अब ये नीचे सिंगल टर्म है, ऊपर वाले का तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, नीचे क्या है आपके पास सिंगल टर्म है,
किसकी बात कर रहा हूं मैं इस ए की बात कर रहा था। यहां पर डबल टर्म है, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, अगर होल स्क्वेयर होता तो कैंसिल होता, इसके स्क्वेयर रूट कैंसिल नहीं हो सकते, या तो पूरे का होल स्क्वेयर होना चाहिए था या बीच में माइनस का साइन नहीं होता, इनटू या डिवाइड में होती है टर्म तो कैंसिल हो जाता, समझ रहे हो ना। लेकिन नीचे सिंगल टर्म है, इसका स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट से बाहर आएगा इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा माइनस का वन, नीचे क्या बचा टू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिफ्थ का सेकंड पार्ट लिया है हमने, फर्स्ट आप कर सकते हैं इजी था वो, तो y के इक्वल टू नेट कर लिया है, क्या होगा भाई टेन इनवर्स फोर रूट ऑफ x अपॉन वन प्लस फोर एक्स। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, संयम बनाए रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है इस क्लास से भाई, काफी सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, काफी सारी बातें सीखी हमने आज यहां से। तो यहां पर क्या होगा, बाहर टेन इनवर्स है, अंदर से टेन का ही रिजल्ट बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसीलिए लिया है ना। तो टेन का रिजल्ट बनेगा तो कौन सा बन रहा है, टेन टू ए का रिजल्ट बनेगा भाई, क्या होता है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर ए। ठीक है, ये बनेगा, मुझे कैसे पता लगा भाई, बाहर टेन इनवर्स था तो अंदर से बनना तो टेन का ही है, मैक्सिमम केस में टेन का ही बनता है, तो मुझे थोड़ा मैच होता हुआ इससे नजर आया, देखिए यहां वन है यहां भी वन है, ये टू तो मैं इस फोर में से निकाल लूंगा, ठीक है, और इसका मैं स्क्वेयर बना दूंगा तो वो टेन का स्क्वेयर भी बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स, इसको मुझे बनाने के लिए फोर में से टू अलग चाहिए, तो मैंने फोर में से टू अंदर लिख दिया और टू लिख दिया है बाहर, ये चीज आपको समझ में आई, फोर था फोर को हम टू इंटू टू नहीं लिख सकते हैं, तो एक टू मैंने ब्रैकेट से बाहर लिख दिया, एक लिख दिया अंदर, प्लस यहां पर मुझे करना है स्क्वेयर, क्योंकि यहां पर टेन का क्या दिख रहा है स्क्वेयर फॉर्मूले में, तो फोर किसका स्क्वेयर होता है टू का। अब आप कहोगे एक्स तो किसी का स्क्वेयर ही नहीं होता, तो जो किसी का नहीं होता है ना उस पर हम रूट लगा देते हैं, जैसे फोर है फोर तो टू का स्क्वेयर हो जाता है, नाइन किसका स्क्वेयर हो जाएगा थ्री का, मैं कह दू इलेवन तो आप कहोगे इलेवन तो किसी का स्क्वेयर नहीं होगा भाई, रूट लगा के तो बना सकते हैं ना, तो यहां पर भी एक्स को मैं रूट लगा के तो बना सकता हूं होल स्क्वेयर। अब देखिए मैच होगा बिल्कुल, अगर मैं इसको टेन रख दू तो क्या बनेगा टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर, बन गया ना फॉर्मूला, तो पुट कर देते हैं इसको, ये पुट कर रहे हैं किसको टू रूट एक्स को, फॉर्मूले से मैच कराया, यहां पर टेन लिख देते हैं तो सेम ये बनेगा। ठीक है, इसलिए पता लगा, तो टेन थीटा पुट कर दिया है, थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे, थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे, टेन इधर आएगा किसमें चेंज हो जाएगा इनवर्स में, तो यहां पर बचेगा टू रूट ऑफ एक्स, चलिए रख देते हैं, तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स, ये हो गया टू, और इसकी जगह मैंने क्या रख दिया है टेन थीटा, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया भाई टेन थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा वन प्लस, इसकी जगह भी क्या लिख दूंगा टेन थीटा, इसका स्क्वेयर था तो टेन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, सेम बन गया फॉर्मूला आपका, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं टेन टू ए, तो यहां पर था हमारे पास टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका टेन टू ए नहीं बनेगा थीटा है तो क्या आएगा थीटा आएगा भाई। ठीक है, थीटा है तो क्या लिखेंगे थीटा, यहां पर ए था तो ए, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, तो वाई इक्वल्स टू क्या बचा टू थीटा, थीटा की वैल्यू रख देते हैं, थीटा की वैल्यू क्या थी टेन इनवर्स टू रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव भाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहां पर ये टू आपका कांस्टेंट है, टेन इनवर्स का करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस एंगल का स्क्वेयर, फॉर्मूला याद होनी चाहिए भाई, वन अपॉन वन प्लस एंगल का स्क्वेयर, तो टू का स्क्वेयर फोर, और रूट एक्स का स्क्वेयर करूंगा स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, ये किसका हुआ खाली टेन इनवर्स का, एंगल का बचा है अभी, तो 2 आपका एच डीज रहेगा, रूट एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, तो बाकी बचा उसको लिख देता हूं, न्यूमिनेटर में यहां वन है लेकिन ये 2 ऊपर ही तो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है वन लेट करेंगे, तो न्यूमिनेटर में तो आ गया 2, डेनोमिनेटर में क्या बचा यहां से बचा रूट एक्स, और इधर से क्या बचा भाई वन प्लस फोर एक्स। ठीक है, और ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का सिक्स्थ पार्ट है, और आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन से जितने भी पार्ट फिफ्थ के बच गए ना सारे सोल्व हो जाएंगे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो y के इक्वल टू लेट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x रेज टू पावर 1/3 प्लस a रेज टू पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस x रेज टू पावर 1/3 इंटू a रेज टू पावर 1/3। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्मूला तो कर ही सकते हैं, फॉर्मूले से तो
लगभग सारे ही क्वेश्चन सोल्व होंगे, प्रॉपर्टियों से केवल कुछ होंगे, इसीलिए मैं आपको पुट करके क्वेश्चन करा रहा हूं, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर रहा हूं वहां पर, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा इंट दे देता हूं, प्रॉपर्टी से आप खुद कर सकते हैं, यहां सीधी प्रॉपर्टी लग रही है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की, तो ये आपका एक्स और ये क्या हो जाएगा वाई, तो इसको आप लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स की पावर वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स ए की पावर वन बाई थ्री, और सीधा डेरिवेटिव कर देंगे, एक ही स्टेप के अंदर सोल्व हो जाएगा, छोटा पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर्टी से मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन प्रॉपर्टी से सोल्व होंगे, लेकिन पुट करके मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं प्रॉपर्टी से नहीं करवा रहा हूं, मैं किससे करा रहा हूं, पुट करके करा रहा हूं। तो मुझे कैसे पता लगा भाई इसमें पुट क्या होगा, ठीक है, मेन बात ये आ गई। तो फॉर्मूला मुझे याद है टेन ए प्लस बी का क्या होता है, ये होता है आपका टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, यहां पर आपको दिख रहा है टेन ए, मतलब इसको क्या पुट करना है टेन ए, यहां पर दिख रहा है आपको टेन बी, तो इसको क्या पुट करना है टेन बी, देखिए यहां से मैच करा लो, ये टेन ए और ये टेन बी, तो एक्स की पावर वन बाई थ्री को हम पुट कर देंगे क्या, एक्स की पावर वन बाई थ्री को हम पुट कर देते हैं टेन ए ही कर देते हैं, थीटा बीटा भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, और ए की पावर वन बाई थ्री को पुट कर देते हैं क्या भाई टेन बी पुट कर देते हैं। अब ए की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी, तो टेन इधर आएगा, इनवर्स में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स की पावर वन बाई थ्री इक्वल्स टू ए, ठीक है। प्रॉपर्टी से बता रहा हूं, क्वेश्चन छोटा पड़ेगा लेकिन कुछ ही क्वेश्चन सोल्व होंगे, प्रॉपर्टी से मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, लेकिन पुट करके लगभग सोल्व हो जाएंगे, कुछ ही परसेंट क्वेश्चन सोल्व होंगे प्रॉपर्टियों से केवल। तो टेन इधर आएगा, इनवर्स में चेंज हो जाएगा, और क्या होगा भाई ए रेज टू पावर वन बाई थ्री और इक्वल्स टू क्या होगा बी, तो ये वैल्यू मैंने पहले निकाल ली है ताकि मैं बाद में रिप्लेस कर सकूं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, तो y इक्वल टू क्या था टेन इनवर्स, इसको हमने क्या पुट किया है टेन ए, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं टेन ए प्लस, इसको क्या पुट किया है भाई टेन बी, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं टेन बी अपॉन वन माइनस, ये क्या पुट किया था, ये सेम ही तो चीज है, इसको टेन ए लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे टेन ए लिखेंगे, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे टेन बी, क्लियर है भाई, बन गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये इस वाले फॉर्मेट में बनाया आपका, तो इसको क्या लिख देंगे हम टेन ए प्लस बी लिख देंगे, तो यहां से हो जाएगा टेन इनवर्स, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा टेन ए प्लस बी, तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, क्या बचा ए प्लस बी, बताया था पहले वैल्यू रखोगे तो ए बी की वैल्यू रख देते हैं, तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टेन ए, टेन ए की वैल्यू क्या आई थी भाई, टेन ए की वैल्यू आई थी टेन इनवर्स एक्स रेज टू पावर वन बाई थ्री प्लस टेन बी, बी की वैल्यू क्या आई आपके पास टेन इनवर्स ए रेज टू पावर वन बाई थ्री, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहां पर टेन इनवर्स का क्या होगा वन अपॉन वन प्लस एंगल का स्क्वेयर, और एंगल क्या है एक्स की पावर वन बाई थ्री इसका स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर याद मत रखना वरना एक्स स्क्वेयर ही लिखोगे, ठीक है। टेन इनवर्स का क्या होगा वन अपॉन वन प्लस एंगल का स्क्वेयर, तो एंगल ये था इसका स्क्वेयर, प्लस इसमें क्या होगा वन अपॉन वन प्लस एंगल का स्क्वेयर, नहीं गलत हो जाएगा क्योंकि एक्स की टर्म इसमें नहीं है, और नहीं है तो ये क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, ठीक है। बस इसको सिंपल, सॉरी एक चीज बच गई भाई, ये तो किसका हुआ था टेन इनवर्स का ही हुआ था, इसके एंगल का तो अभी बचा है, तो डी वाई डी एक्स किसका बचा हुआ है एक्स की पावर वन बाई थ्री का तो बचा हुआ है ना, ठीक है, गलती से मिस हो गया ये, और इसमें एक्स नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा जीरो, तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं वन अपॉन वन प्लस इसका स्क्वेयर करेंगे तो एक्स की पावर टू बाई थ्री आएगी, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वन बाई थ्री और टू मल्टीप्लाई होगा, टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू टू बाई थ्री आ जाएगा, कभी वन बाई नाइन लिख दो, ठीक है, इंटू में इसका करेंगे तो वन बाई थ्री आपका आगे जाएगा, पावर में से वन माइनस करेंगे कितना बचेगा टू बाई थ्री, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, पहला ही फॉर्मूला डेरिवेटिव का यहां पर, ठीक है। अब इसको थोड़ा साथ में लिख देते हैं, थ्री नीचे था, ये पावर नेगेटिव है तो नीचे लेके आएंगे कैसी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और ये भी टर्म नीचे ही थी आपके पास टू बाई थ्री पावर है ना, तो न्यूमिनेटर में यहां भी वन, तो क्या बचा है वन, और ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था, मतलब क्वेश्चन नंबर फाइव तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, फिर भी कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, आपको उसका समाधान जरूर मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।